रेजिडेंस स्ट्रीट नंबर 18 के साथ मैं दीपिका साधु इस चैनल डीएस क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश सेंटेंस की ट्रिक नंबर 18। क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि तुमसे बात करना बेकार है, तुम्हारी बात सुनना ही बेकार है, या फिर वहां जाना ही बेकार है? तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम बेकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनती है, या हम इनका इंग्लिश में वाक्य या इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाते हैं, क्या आपको पता है? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आपको ये बात नहीं पता है, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो जो भी बच्चा चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं, ओके? चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, बेकार आप जब भी बोलते हो, तुमसे बात करना बेकार है, या फिर उनसे बोलना बेकार है, ये नाचना ही बेकार है, वहां जाना बेकार ही है, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाया जाता है एक ट्रिक के माध्यम से। तो वो ट्रिक क्या है? एक सेंटेंस को फॉलो करना है, एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और हम आज सीख जाएंगे ऐसे सेंटेंस, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं भाई क्या स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है आपका, सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है इट्स, आप बोलेंगे इट्स यूजलेस, टू प्लस जो सेंटेंस जो आप बोल रहे हो, आपको सिंपली इट्स यूजलेस टू करके उस सेंटेंस को बोलना है जिसको आप या जिस क्रिया को आप बेकार बता रहे हो। नहीं समझ में आया? कैसे समझ में आएगा? अभी आपने प्रैक्टिस तो की ही नहीं, ना ही कोई सेंटेंस देखा। भाई जब तक हम कोई सेंटेंस ना देख लें, हमें कैसे समझ में आएगा? तो वही ना, तो प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। चलिए, अगर आपको बोलना हो कि तुमसे बात करना बेकार है, आपको ये पॉइंट या ये ट्रिक आपको समझ में आई, आपको सिर्फ इट्स यूजलेस टू करना है, फिर सेंटेंस लिखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसमें लिखा है तुमसे बात करना बेकार है, तुमसे बात करना बेकार है। इसकी इंग्लिश हम बहुत आसानी से बना लेंगे, क्योंकि इसमें एक बेकार शब्द, इसमें बेकार शब्द, इसमें बेकार शब्द, और इसमें बेकार शब्द आया है, ओके? वो वाली कार नहीं, लैम्बोर्गिनी नहीं चलानी, बेटा अपन को ये मतलब होता है क्या, यूजलेस, ठीक है? मतलब कोई फायदा नहीं है हमारा। तो इसकी इंग्लिश होगी, वो एक कहावत सुनी है, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, नाचेगी क्या, बताओ? तो वही बात हो गई है। तो तुमसे बात करना बेकार है, इसमें भी बेकार आया है, तो चलिए लगा देते हैं इसको। चलिए, तो हम बोलेंगे इट्स यूजलेस, इट्स यूजलेस टू, इट्स यूजलेस टू। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम देखेंगे कि लिखा है तुमसे बात करना, मतलब टॉक करना ही बेकार है, तो इंग्लिश में बात करने को टॉक बोला जाता है। तो हम उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, ओके? अगर मैं सेंटेंस को हटाकर आपसे बोलूं कि यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो आप क्या लिख देंगे? बिल्कुल लिख देंगे। फिर जो आ रहा है आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ही सारी सिचुएशन समझ में आती है हमें, है ना बेटा? तो देखो, मैंने बोला कि तुमसे बात करना बेकार है, तो हम क्या बोलेंगे? बात को इंग्लिश में बोल रहे हैं टॉक, तो हम यहाँ पर टॉक लिख देंगे। हम बोलेंगे इट्स यूजलेस टू टॉक, किससे? तुमसे, इंग्लिश में तुमको भी यू बोला जाता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, इट्स यूजलेस टू करके उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है जिसको हम बेकार बोलते हैं, तो हमने टॉक को बेकार बोला। ये आपको समझ में आया? तो अगला सेंटेंस देख लो। अगला सेंटेंस है कि उससे बोलना बेकार है, उससे बोलना बेकार है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स यूजलेस इट्स यूजलेस टू बोलना, दैट मीन्स स्पीक, ओके? इट्स यूजलेस टू स्पीक उन, मैंने बोला उससे, मतलब कोई लड़का या लड़की है, तो मैं यहाँ पर लड़की समझ रही हूँ। इट्स यूजलेस टू स्पीक हर, उससे बात करना बेकार ही, वो कुछ नहीं समझती है, ओके? अगला सेंटेंस है कि ये नाचना बेकार है,
यहाँ बोले उसका नाचना बेकार है तो इसके लिए कुछ और बोलेंगे, बट अगर हम बोले ये नाचना बेकार है तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स यूजलेस टू डांस, क्योंकि नाचने को बेकार बोला जा रहा है ना, डांस दिस, इट्स यूजलेस टू डांस दिस, ये नाच जो है ना बेकार ही है ना। वैसे तो नाच एक कला होती है, वह नाचना बेकार है, वो वहाँ जाना बेकार है, सॉरी वहाँ जाना बेकार है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश वही होगी जो इनकी हुई है, इट्स यूजलेस करके बना दीजिए बेटा, आपने बनाया इट्स यूजलेस टू। अब हमने कहा जाना ही बेकार है, मतलब वर्ब यही है, हम बोलेंगे गो, इट्स यूजलेस टू गो देयर, वहां की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, पॉइंट समझ में आया, इट्स यूजलेस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वो भी जो भी ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट, ओके। तो बेटा आप बताइए फर्स्टली, बढ़िया गहरी सांस लीजिए और आप मेरे को बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया। चलिए तो समझ में आ ही गया है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और एक सेंटेंस की इंग्लिश आप लोग बताइएगा, ठीक है। ओ, मैंने बोला कि उससे कुछ भी कहना बेकार ही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक भूल जाना, सब्सक्राइब भूल जाना, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेली देख लीजिए, डेली वीडियो का टाइम होता है 8 PM, तो जल्दी आ जाया करें और वीडियोज़ को देख लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपको इंग्लिश सेंटेंस ट्रिक नंबर 19 के साथ। थैंक यू सो मच एंड विजिट अगैन, थैंक यू।